हेलमेट खरीदो, अपना टोरा मत मारो, सर की चोट बहुत नाजुक चोट होती है, अपनी जान को बचाएगा तो मजबूत हेलमेट लेगा, राइट? गलत तो नहीं? आपने भी हेलमेट नहीं पहना, मेरी तरफ से लेके जाओ आप ये। खत्म। पुलिस जो कहती है ये नहीं कहती चलान बचाओ, पुलिस कहती है अपनी जान बचाओ, और सेफ्टी हमारे हाथ में, हमारा पीछे परिवार बैठा हुआ है। टोरा नहीं मारना, लोग क्या कहते हैं बाल खराब हो जाएंगे, बाल ऐसे हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे, लड़कियाँ भी कहती है बाल खराब हो जाएंगे, पापा मैं नहीं पहन के जाऊँगी। आपके माता पिता आपकी ज़िंदगी से बहुत प्यार करते हैं। माँ बाप ने पाला है बच्चे को, जवान कराया, पढ़ाया लिखाया, अनवाया दबाया, तो कैसे भी जान कमाया हो। और बच्चे आपके सामने से क्या बोलते हैं अंकल जी कि भाई वो मेरे बाल खराब हो जाएंगे। थोड़े पैसे एक्स्ट्रा हैं, ये देखो आप। आपने अपनी लाइफ बचानी है ना, तो 100-200 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके एक तो अपनी जान बचाओ, प्लस ये हॉलमार्क वाला लो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल तहल का प्रैंक में। दोस्तों आज अंकल जी के पास आए हैं गुड़गांव में हम हेलमेट लेने के लिए, और बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको दूंगा आज की वीडियो में। वीडियो को शेयर मारना। बहुत सारे लोग कंजूसी करते हैं और पैसे बचाते हैं। अंकल जी दो सवाल है मेरे आपसे। पहला तो ये है, मैं आपके पास बहुत सारे कस्टमर आते होंगे कि भाई सस्ता हेलमेट दिखा दो, कहते होंगे, लेकिन फ़ायदा उनका कहाँ पर है? बढ़िया हेलमेट लेने के लिए। बढ़िया हेलमेट लें, फ़ायदे का लें, अपनी जान को बचाएं, राइट? गलत तो नहीं? सस्ता कितना नुकसानदायक ये बताइए मेरे को आप। सस्ता तो खाली चालान से बचने के लिए होता है। सस्ता सिर्फ चालान से बचने के लिए होता है, ज़िंदगी आप खो सकते हैं। कारण क्या है वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं। सस्ते हेलमेट में क्या नुकसान होता है, एक्सीडेंट क्यों होते हैं, बंदा क्यों नहीं बच पाता, हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ता है, सस्ते हेलमेट के बारे में पहले बताऊंगा आपको मैं। देखो आप ये अंकल। दोस्तों ये है कितने का अंकल जी? 250। ये 250 रुपये का हेलमेट है। इसको आप पहन तो लोगे, अंकल जी की बात बड़ी करता हूँ मैं, कि चलान से बच तो लोगे, लेकिन ज़िंदगी नहीं बच पाएगी आपकी, क्योंकि ये सिर्फ दिखावे के लिए होता है। आपने अपनी लाइफ बचानी है ना, तो 100-200 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके एक तो अपनी जान बचाओ, प्लस ये हॉलमार्क वाला लो। इसके अंदर बहुत मजबूती है। आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, आपके सामने दिखाऊंगा, अंकल जी के सामने दिखाऊंगा कि ज़िंदगी को कैसे बचाएं। क्या कहते हो भाई साहब, लोग सस्ता हेलमेट ले लेते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं। कारण क्या होता है? सस्ता बिल्कुल कपड़े जैसा हेलमेट होता है, हल्का फुल्का होता है, जान नहीं होती। क्या कहोगे आप? टूट जाएगा और चोट भी लग जाएगी। और सर की चोट जो है खतरनाक है जी। सर की चोट बहुत बड़ी बात, खतरनाक होती है। सर की चोट बहुत खतरनाक होती है, जिसमें चांस कम होते बचने के। इसलिए एक बार में खर्चा करो, महंगा हेलमेट लो, अपनी ज़िंदगी को बचाओ, पैसा मत देखो। मैंने कम से कम बहुत सर और भी कमाएंगे जी, पैसा तो और भी कमा लेंगे, पैसा और कमा लेंगे। अंकल आपके पास मैं एक आंकड़ा लेता हूँ आपसे, आपके पास कितने लोग आते हैं सस्ता हेलमेट लेने के लिए? 10-15-20 बहुत आते हैं ना। सस्ते हेलमेट खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर। चालान बचाते हैं अपनी जान नहीं बचाते। चालान तो बचाओ यार, आपकी सेफ्टी के लिए तो पुलिस कहती है। पुलिस का काम है आपको समझाना, आपको सेफ रखना। पुलिस ये नहीं कहती कि चालान से बचो, पुलिस ये कहती है अपनी जान को बचाओ। सही बात अंकल जी, जय कहती है। पुलिस का सबसे बड़ा काम होता है अपनी जान को बचाओ। और बहुत सारे लोग ये भी हैं कि पैसे बचाते हैं, हेलमेट खरीदते नहीं है। हेलमेट खरीदो, अपना टोरा मत मारो, सर की चोट बहुत नाजुक चोट होती है, एक बार ब्लड जम गया तो ठीक नहीं होता। अंकल जी ने बता दिया, सर की चोट बहुत ज़्यादा नुकसान खतरनाक होती है। अब ये देखो, ये हल्का हेलमेट है, ये देखो आप। खट्टा अंकल जी, हाँ आपको एक पहचान और बता रहे हैं अंकल जी, कि एक तो सस्ता हेलमेट है, ऊपर से इसमें कोई मार्क नहीं है कि सेफ्टी है या नहीं है, कुछ भी मार्क नहीं है। लोग बिना देखे ले लेते हैं, अरे हेलमेट बढ़िया है, लुक बढ़िया है, ओके रिपोर्टर ले लो। लेकिन नहीं, ये देखो जी, ये सस्ता हेलमेट है, ये देखो, ये देखो, हल्का सा मारा मैंने, ये सीधा निकल गया इसका। हल्का सा मारा था इसका, ये हाल हो गया। बंदा बाइक से कितनी तेज़ गिरता है, कैसे गिरता आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो जी, खत्म। अंकल मैंने देखो ईंट मैंने यहाँ से मारी है, खत्म हो गया। अंकल वो दिखाओ, दूसरा वाला दिखाओ। ये देखो जी, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा हैं, ये देखो आप। कुछ भी नहीं हुआ आपके सामने है, उतनी अंकल उतनी दूरी से फेंकी थी मैंने ईंट, उस पर कुछ भी नहीं हुआ और ये टूट गया पूरा। ये देखो जी,
दो बार कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। ये देखो जी, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब जाके इसका कांच टूटा है, और लेकिन ये चीज़ बची हुई है आपके सर को बचाने के लिए। ये मेन चीज़ होती है, ये अभी तक बची हुई है क्योंकि मजबूत है, प्लस हॉलमार्क है। अंकल कितना फ़र्क आता है मतलब सस्ते में और महंगे में? 200 रुपये का फ़र्क आता है यार, है भाई साहब, गलत बात तो नहीं? अगर एक इंसान अपनी जान को बचाएगा तो मजबूत हेलमेट लेगा, राइट, गलत तो नहीं? आपने भी हेलमेट नहीं पहना, मेरी तरफ से लेके जाओ आप, ये चलो, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। सेफ्टी रख बाबू अपनी भी ना, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। लोग थोड़ा सा लालच कर लेते हैं यार, पैसे बचा लेते हैं, लेकिन नहीं, सेफ्टी ज़रूरी है। और पुलिस ना हमें ये नहीं कहती चलान से बचो, पुलिस कहती है अपनी जान से बचो, जान को बचाओ अपनी। तो लव यू यार, बाय बाय। दोस्तों उसका कांच टूटा है आगे का, ये नहीं टूटा, ये पूरा सेफ है। 4 बार मार लिया मैंने इसको, एक ही बार मारा खत्म हो गया। ये पूरा कुछ मर रही, देखो आप, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय भैया। तो आज की वीडियो का मेरा मैसेज ये था, खर्चा कर लो। पुलिस जो कहती है ये नहीं कहती चलान बचाओ, पुलिस कहती है अपनी जान बचाओ, और सेफ्टी हमारे हाथ में है, हमारा पीछे परिवार बैठा हुआ है। तोरा नहीं मारना, लोग क्या कहते हैं बाल खराब हो जाएंगे, बाल ऐसे हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे, लड़कियाँ भी कहती है बाल खराब हो जाएंगे, पापा मैं नहीं पहन के जाऊँगी, गलत करती है वो। आपके माता पिता आपकी ज़िंदगी से बहुत प्यार करते हैं कि अपनी ज़िंदगी बचा बेटा, हेलमेट पहन के जा, लेकिन बेटी सामने से जवाब देती है कि मेरे बाल खराब हो जाएंगे। क्या कह रहे हो अंकल जी? माँ बाप ने पाला है बच्चे को, जवान कराया, पढ़ाया लिखाया, अनवाया दबाया, तो कैसे भी जान कमाया हो। और बच्चे आजकल सामने से क्या बोलते हैं अंकल जी, कि भाई वो मेरे बाल खराब हो जाएंगे। उनको ये नहीं पता, उनके माँ बाप ये सब देख चुके हैं, गिर चुके हैं, ठोकर खा खा के बड़े हो चुके हैं, अपने बच्चे को क्या सीख दे रहे हैं, बेटा अपनी जान बचा, और बच्चा जुबान लड़ा देता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, जो मेरे माता पिता मेरी वीडियो को देख रहे हैं, बड़े लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करना, अपने बच्चों को समझाना, प्यार से बैठ के मान जाएंगे। तहलका बताता रहूँगा, बार बार आता रहूँगा, सही है।